ऑफिस जाना है राहुल कल. अच्छा चलो चलते हैं, ठीक है ना. नींद मत लेनी है, मार तंड गिंज के चलो चलो. रेडी है, सब सेट है, लड़का लड़की एकदम फिट है. 3, 2, 1 एंड राहुल 12:30 हो चुके हैं, घर भी जाना है. चलो ना यार, कल ऑफिस भी जाना है. अच्छा चल चलते हैं. ऐसे नहीं यार, कल ऑफिस भी जाना है. ऐसे नहीं, बस शुरू में आए थे ना. हाँ. अरे क्या बोलते हैं, टाइम बिल्कुल सही आ रहा है. 12:30 बज गए. डायलॉग क्या था हमारा? डायलॉग था के हाँ मुझे भी ट्रिप मिल रही है यार. ऐसे मत कर मुझे तेरे सुन. डायलॉग था. हाँ, डायलॉग क्या था? डायलॉग था राहुल. हाँ, 12:30 हो चुके हैं, घर चलो. अरे मत लगाना राहुल, 12:30 हो चुके मतलब तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके. हाँ घर भी जा. राहुल 12:30 बज चुके हैं, चलो घर भी जा. चलते हैं फिर तू. अरे चलते ना, आज तू एंजॉय करने दे, ऐसा मौका फिर तू कहाँ आ रहा है. ऑफिस जाना है राहुल कल. अच्छा चलो चलते हैं, ठीक है ना. नींद मत लेनी है, मार तंड गिंज के चलो चलो. रेडी है, सब सेट है, लड़का लड़की एकदम फिट है. 3, 2, 1 एंड एक्शन. यार एंगेजमेंट हो गया शादी. राहुल 12:30 हो चुके हैं, घर भी जाना है, चलते हैं ना. तुम मुझे इतना संभालती हो, मेरी इतनी केयर करती हो. हाँ वो तो है. हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तुमने आवाज सुनी? हाँ सुनी ना, तुम्हारे दिल की धड़कन. अबे इडियट, वो आवाज जो अभी हुई यहाँ पे. मैंने तो ऐसी कोई आवाज, लगता है तुम्हें चिढ़ गई. हाँ सुनाई तो थी, पर ये आ कहाँ से रही है? चेक कर. तुम्हारी धड़कन की हंस के फिर बोलना. नहीं, 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 अच्छा वो हो गया. अरे नहीं वो पहली वाली में अगर ऐसे करती ना तो और ज्यादा मजा आएगा. नहीं फिर सेकंड वाले बोले. अरे हाँ यार वहां जो तेरा डर था ना, थोड़ा सा ओढ़ लिया उसको, क्योंकि एंड स्पॉट में हमें दिखाने के पसीने छूट रहे हैं तुम्हारे. सर्दी में पसीने कहाँ से लाओगे? आसपास कोई है ही नहीं, तेरे आसपास कोई नहीं. हम भी चूतियां हैं, ये भी चूती है, सब चूती हैं. तू है और तुझे लग रहा है डर. अकेले इंसान गंदी वाली, पर तुझे लग रहा है डर. मैं कैमरामैन, मैं चूतिया, मैं डायरेक्टर, मैं चूतिया, ये एक्टर एक्ट्रेस, कुछ मतलब नहीं, तुझे डर लग रहा है. तुमने फिर से वो आवाज सुनी जो अभी हुई? हाँ सुनाई तो दी है, लेकिन ये आवाज आ कहाँ से रही? शमशान घाट चलते हैं, सच में सबको लगेगा, सबको लगेगा, बराबर लगेगा. ऐसा ही ऐसी तुझे, ठीक है ना, तुझे बहुत कम डर लग रहा है, उतना ही लगे डर तुझे लग रहा है, लेकिन उसकी गंदी वाली, उसे तुझसे भी मतलब नहीं है, उसे इतना डर लगेगा तुझे छोड़ के भी भाग जाएगी कि मैं अपनी जान बचा के भाग लूं. ये वाला चाहिए यहाँ पे. तुम्हें आना है तो आओ. ये क्लाइमैक्स है स्टोरी का, अगर ये नहीं बंधा तो फिर बेकार है. जिस प्रकार से डायरेक्टर पड़ा हुआ है, हमें नहीं लगता कि क्योंकि बोतल साफ आ रही है कि ओके सो दिस इज स्टोरी का नाम. अपना रियल पी ले. हाँ ये भी पी ले. स्टोरी का नाम अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियली अभी जिस नाम से स्टोरी आई थी वो थी एक नहीं वो अंधेरी रात. पर इसको अभी चेंज करने वाला पड़ेगा. जिमसी वाले पता नहीं क्या क्या कराएंगे हमसे, कितनी रातें जगाएंगे हमें. ये बेचारी 2 दिन की थकी हुई है, हमारा तो अता पता है नहीं क्या है. ये भाई साहब अभी अभी नए ज्वाइन किए हैं, एक्चुअली जिमसी के बच्चे हैं, तो दाढ़ी कटवानी पड़ी. जिमसी के बच्चे हैं, इनसे इनको बोला दाढ़ी ट्रिम कराओ. भाई ने दाढ़ी ट्रिम कराई, एक बार सो गया है. लेकिन एक हमारे जो जिनकी एंगेजमेंट होने वाली है वो बाहर सो चुके हैं, उसको घर भी जाने नहीं दिए. उसको घर भी नहीं जाने दिया. सीन ये है कि हमारे साथ 3 नए लोग ब्लैक बर्ड प्रोडक्शन फैमिली में जुड़ चुके हैं. तो यही चल रहा है. देखो
जब रिलीज होगी पोस्टर रिलीज करेंगे। अब टाइम देखो रात के 2 बजने वाले, 1:18 हो चुके हैं और अभी रात को ठंडी में हम लोग जाने वाले हैं। सेक्टर 15 जाएंगे, कहाँ जाएंगे देखते हैं ना हम, सेक्टर 15 दो बजे क्या? नहीं अभी हम रात को बाहर निकल के लोकेशन देखेंगे, उसके बाद हम शूट करेंगे। अभी हमें कुत्ते का बच्चा, ये हमारा 24 आवर फिल्म प्रोजेक्ट बन चुका है जिसमे हम देखते हैं कितने खरे उतरते हैं। मैडम हमारी अभी नोएडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करके, अभी हमें पिल्ला ढूंढना है, सबसे मजेदार कुत्ते का बच्चा ढूंढना है यार, वो भी जो टोकरी में फिट आ जाए, साइज वाला ढूंढना है। हम छोड़ो, हमने तो कुत्तों को नहीं जीने दिया, रात भर उन्हें ढूंढते थे हम लोग, रात को उठ के काम करवाएंगे उनसे। तो भाई सीधी सी बात है,